हमारे बीच में इसमें वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री रंजिता मेहता जी हैं, जो इस समय हरियाणा कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की सदस्य बनी हैं, और ये पहला मौका है जब पंचकुला से किसी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आओ इस बारे में हम रंजिता मेहता से ही कुछ सुने, उनके विचार किस प्रकार कांग्रेस को मजबूत करेंगे। देखिए, बहुत भगवान की कृपा मानती हूँ और हमारे हाईकमान का धन्यवाद करना चाहती हूँ, कुमारी शैलजा जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इलेक्शन कमेटी में स्थान दिया। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक आम कार्यकर्ता, एक आम महिला को इस कमेटी में स्थान मिला है, जिससे पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो नीतियाँ हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने की है, महिलाओं को तवज्जो देने की है और महिलाओं को अच्छी स्थिति में लाने की है। तो कहीं ना कहीं अगर हम भाजपा से कांग्रेस का कंपैरिजन करते हैं, महिलाओं के प्रति जो सोच और विचार कांग्रेस पार्टी की है वो मेरे ख्याल से भाजपा में अगले 10 साल में भी नहीं आ सकते। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर मुझे जिम्मेदारी दी गई है तो मैं ये सुनिश्चित करूँगी कि जितनी भी हमारी महिला कांग्रेस पूरे हरियाणा में टिकटों के लिए जद्दोजहद कर रही है, मेहनत कर रही है, ग्राउंड में काम कर रही है, कम से कम उनको भी नाम और पहचान मिले, ये मेरा वादा है उनसे। जिस प्रकार से आप नेतृत्व कर रहे हैं महिला थे, तो आप कितनी महिलाओं को टिकट दिलवाने में करेंगे? देखिए, चाहे वो राहुल गांधी जी हैं, चाहे वो सोनिया गांधी जी हैं, चाहे हमारे प्रभारी गुलाम नफी आजाद जी हैं, उन सबका सपना यही है कि हम 33% महिलाओं को भागीदारी दें। और अगर विनेबिलिटी क्राइटेरिया होगा तो निश्चित तौर पे जो कांग्रेस पार्टी है 33% महिलाओं को इस बार भागी देने के लिए सोच भी रही है, और मेरे ख्याल से उसके और एक नया कदम जो है उन्होंने मुझे इस कमेटी में शामिल देखे है। इस समय सरकार जो है कर्मचारियों के ऊपर दमनकारी नीति अपना रही है। अभी आपने परसों पंचकुला में महिलाओं को किस प्रकार घसीटा गया, मारा गया, तो उसके बारे में आपने सरकार के लिए क्या? देखिए, इससे साफ नज़र आता है कि भाजपा का जो दोगला चेहरा है और चरित्र है ये इसी से सामने आते हैं। जहाँ एक तरफ वो बेटियों को बचाने और पढ़ाने की बात करते हैं सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए, विज्ञापनों को छुपवाने के लिए और वोटें बटोरने के लिए, और दूसरी तरफ महिलाओं पर इस तरीके का अत्याचार हम बिल्कुल असहनीय हैं। आप ये देखिए, पहले गेस्ट टीचर्स को भी ऊपर ऐसी लाठियां बरसाई गई थी, उसमें भी बहुत सारी महिलाएं थीं, और कल फिर से इन्होंने इस चीज़ को दोहराया है, कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये मानती हूँ कि अगर महिलाओं को किसी पार्टी से इस तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है तो आधी आबादी को उनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो आधी आबादी आपको सिर्फ वोट्स के लिए चाहिए होती है, और जब उनके हिस्से की बारी आती है या उनको कुछ देने की बारी आती है तो आप उसमें संकुचित करते हैं और उन पर लाठियां बरसाते हैं। और मेरा यह मानना है कि जब आधी आबादी ये सोच लेती है कि किसी को सत्ता से उतारना है तो उसका विनाश जल्दी ही होता है, और भाजपा उसी स्तर पर। शैलजा जी को जिस प्रकार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और तंवर जी, किरण जी जैसे अलग है, तो वो इकट्ठे एक होकर मिल के एक मंच पे आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये शैलजा जी अपने आप को साध लेंगे, सबको मिलकर काम करेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश है या कहीं निराशा है तो उसको कुछ आशा में बदला जा रहा है? देखिए, मैंने जैसे आपको पहले कहा है कि महिलाओं को तवज्जो जो पार्टी देती है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी महिला, हमारी प्रदेश अध्यक्ष भी महिला, तो हमारा ये सौभाग्य है। और जहाँ तक शैलजा जी की बात है, वो इतनी सीनियर हैं और इतने पदों पर ऑलरेडी रह चुकी हैं, उनको सबको एक माला में पिरोकर चलाना आता है और बखूबी से वो चला रही हैं। जिस दिन से उनका नाम अनाउंस हुआ है आप देखेंगे कि भाई बहन की जोड़ी जो कमाल कर रही है, ग्राफ हमारा डेली ऊपर जा रहा है, जिससे पूरी भाजपा में बौखलाहट है। और मेरा ये मानना है कि दिवाली आने पर ही पटाखे चलाने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा ने वो काम पहले किया है और कांग्रेस अब कर रही है जब ज़रूरी है। आप पंचकुला से संबंध रखते हैं, तो पंचकुला में अब जिस प्रकार कालका से प्रदीप चौधरी था और उसको कांग्रेस में शामिल हो गया है, तो कहीं ये तो नहीं कि स्थानीय कांग्रेस नेता नाराज होंगे या उससे आने से मजबूती मिलेगी? देखिए, जब प्रदीप जी चौधरी जी को शामिल किया गया है तो सबकी सहमति के बाद ही शामिल किया गया है, क्योंकि वो बहुत बड़े गुज्जर नेता हैं और कहीं ना कहीं हमारे अगर इलाकों की बात करते हैं तो हर जगह उनके आने से 10 से 15 हज़ार वोट प्लस गुज्जर कास्ट की हमारे यहाँ पे हुई है, और हम उनका स्वागत करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं। पार्टी की नीतियों को चलते हुए उन्होंने अपनाया है और हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं, उनको उनके कद के हिसाब से रिस्पेक्ट भी मिलेगी और उनको हमारी पार्टी से प्यार भी मिलेगा। आप भी पंचकुला से टिकट के दावेदार हैं या आप लड़ना चाहेंगे? आपको पार्टी मौका दे तो क्या आप लड़ेंगे या फिर किसी और जगह से कुछ? निश्चित तौर पे अगर मुझे पार्टी मौका देगी तो मैं पंचकुला कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही लड़ूंगी, और मैं दावेदारी भी करती हूँ पंचकुला से, क्योंकि अगर ना केवल काम और मेहनत की बात करें, कास्ट कॉम्बिनेशन में भी 46,000 पंजाबी वोटर्स जो हैं वो पंचकुला के अंदर हैं, तो उस हिसाब से भी अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो निश्चित तौर पे मैं लड़ूंगी। पंचकुला के विकास के लिए क्या मेन विज़न है आपके माइंड में, कि क्या जो नहीं हुआ अभी तक, आज तक कांग्रेस सरकार में तो जो हुआ होगा लेकिन बीजेपी में जो नहीं हुआ वो क्या आप कर पाएंगे अगले? देखिए, भाजपा ने पिछले 5 साल के अंदर पंचकुला, जिसको पेरिस के नाम से जाना जाता था, उसको जलाने का काम किया है।
आज अगर हम बात करते हैं मुद्दों की, केवल एक मुद्दा नहीं है, सैकड़ों मुद्दे हैं पंचकुला के अंदर, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो राउंड अबाउट बनाने को लेकर ले लीजिए, चाहे वो डस्टबिन का घोटाला ले लीजिए, चाहे वो बस के शेल्टर तोड़ने का घोटाला ले लीजिए, और उसके अलावा डंपिंग ग्राउंड जिसको झुरीवाला में शिफ्ट होना था, वो सबसे बड़ी मांग थी, लोग वहाँ पर नरके जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये 5 साल तक उनको टालते रहे, और आज जनता परेशान है, हैरान है और जवाब देने के लिए तैयार है। और अगर हम बात करते हैं इन्हांसमेंट की, जो बाहर के सेक्टर्स हैं जहाँ पर लोगों ने अपने प्रोविडेंट फंड इकट्ठे करके, पैसे इकट्ठे करके मकान बनाए थे, उनसे 10-10 बार इन्हांसमेंट लेना, ये कहाँ तक जायज़ है? 6 मरले के मकान की 10-10 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, और आम इंसान जो अपनी सेविंग से घर बनाता है वो उसको नहीं दे सकता, तो मजबूरी में वो बेचकर बाहर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत मुद्दे हैं जिसको उठाना भी है और सेटल भी करवाना है। आपका कौन सा विजन है मेन पंचकुला के विकास के लिए, क्या है आपके दिमाग में कोई? देखिए, सबसे पहले तो जो इन्होंने झूठा वादा किया था वहाँ पे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी अगर हम बात करते हैं तो कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी या कॉलेज पंचकुला के अंदर नहीं है, और पंचकुला के बच्चों को बाहर चंडीगढ़ और बाकी सराउंडिंग एरिया में जाकर धक्के खाने पड़ते हैं। तो सबसे पहली पहल रहेगी कि वहाँ पर एक तो यूनिवर्सिटी खोली जाए, ना केवल उससे रोज़गार मिलेगा, क्योंकि अगर रोज़गार की बात करते हैं, हर बरवाला हमारा जो क्षेत्र मेरे गाँव लगते हैं उसके अंदर हर घर में 2 युवा बेरोज़गार बैठे हैं, और वहाँ पर जो मक्खियों की समस्या आई थी, मतलब ज़बरदस्त समस्या है पोल्ट्री फार्म्स की वजह से, लोग आज नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको साफ़ सुथरा जीवन देना मेरा लक्ष्य रहेगा। और मेरा ये मानना है कि जो कॉलोनियाँ, जिसके लिए हमने पहले भी आशाना के फ्लैट्स हुड्डा सरकार ने दिए थे, उनको भी द्वारा से उनका पुनर्निवास करना है, क्योंकि 25,000 की आबादी है और वो नाले के ऊपर रह रही है, वहाँ पर नरकीय जीवन है, उसका समाधान होना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार हमारे बीच में राष्ट्रीय कांग्रेसी नेत्री संजीता मेहता जी से हमने बातचीत की। आज जिस प्रकार उनको कांग्रेस ने हरियाणा में भी अपने इलेक्शन कमेटी में जो स्थान दिया है, उससे वो अपने विकास को कार्य को पंचकुला में भी तेज करेंगी, और अगर पार्टी ने उनको टिकट दिया तो पंचकुला वासियों की सेवा भी करेंगी। इसी के साथ आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।